हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। तो बात करते हैं साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग एस से T20 चल रहा है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 25वें मैच की, जो कि खेला जाएगा जोबर सुपर किंग्स और सनराइजर ईस्टर्न कैप के बीच में। यह मैच 31 जनवरी को वांडर जोबर्ग स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 84% रहेगा और टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 50% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी यहां पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 167 है, तो वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 170 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहां पे जोबर सुपर किंग्स 2 मैच जीत के आ रहे, तो सनराइजर ईस्टर्न कैप 1 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पहली टीम सनराइजर ईस्टर्न कैप का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक करते हुए 7 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है और 3 मैच में उसे हार मिली, जहां पर टीम पॉइंट टेबल नंबर 3 पे स्टेबल है। वहीं अगर लास्ट गेम की बात करें, जहां पर MICT को 4 रन से हरा दिया था, टीम के कैप्टन जहां पर कप्तान एडन मार्करम है, ओपनिंग में बात करें तो डेविन मलम, जॉर्डन हारमन जो लास्ट गेम में फ्लॉप थे। नंबर 3 पे बात करो, जहाँ पे एवेल ने जो 60 रन की इनिंग खेली थी, एडम मक्राम भी मिडिल ऑर्डर में टीम को स्टेबल कर रहे हैं, दोनों भी सही स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। वहीं अगर लो ऑर्डर में बात करें तो फिनिशिंग में टीम के स्टार जहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स है, टीम की बैटिंग में डेप्थ नहीं है। लास्ट मैच में जहाँ पे टीम ने जबरदस्त बॉलिंग किया और 4 रन से मैच जीत लिया, और ओथिनियल ने बैट्समैन जो लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, पार्टमन अब तक 10 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी बन चुके हैं। जहाँ पे मार्को जैनसन सनराइजर के ट्रम्प कार्ड है, डैनियल वॉरन ने भी अब तक 6 मैच में 10 विकेट लिए हैं, जहाँ पर साइमन हार्मर अपनी ऑफ स्पिन से अटैक करेंगे, लैम्पटन डॉसन जो इस वक्त इकोनॉमिक बॉलर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे एडम मक्राम है जो कि कप्तान है, जॉर्डन हारमन, डेविड मलम, थॉमस अवेल है, ट्रिस्टन स्टब है, पैट्रिक क्रूगर है, लाइम डॉसन, मार्को जैनसन, साइमन हारमर, ओथिनियल बैटमैन और डैनियल वॉरल है। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे एडम मक्राम है, ट्रिस्टन स्टब्स है, मार्को जैनसन है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम जोबर सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे इस वक्त टीम बहुत ही लो चल रही है, टीम अब तक 8 मैच खेले जिसमें से 2 मैच में जीत मिली और 4 हार के बाद टीम पॉइंट टेबल नंबर 4 पे स्टेबल है। टीम का 2 मैच कैंसिल हो गया था, लास्ट गेम की बात करें तो जहाँ पे MICT को हराया, इससे टीम का कॉन्फिडेंस गेन हो गया। जोबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान जहाँ पे फैफ डू प्लेसिस है, टीम की बैटिंग फ्लॉप चल रही है, लास्ट गेम में 22 के चलते टीम को 8 ओवर में 98 का टारगेट मिला था, जिसको टीम ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 5 ओवर में ही चेस कर लिया। ओपनिंग में बात करें डू प्लेसिस और लियू डू फ्लूपी, डू प्लेसिस अब भी फॉर्म में आ गए, लास्ट गेम में उन्होंने 20 बॉल में 50 रन बनाए थे। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो यहाँ पे वीक दिख रहा है, जिसमें रिजा हैंड्रिक्स है, अवेनी मैक्सटन है, जहाँ पे लियू डी फ्लूपी जो टीम के लीडिंग रन स्कोर, विकेट कीपिंग में जहाँ पे डोनियर फेरेरिया है, लोअर ऑर्डर में जहाँ पे मोइन अली भी शामिल है, बॉलिंग अटैक से नादे बर्गर टीम को लीड कर रहे हैं, रोमारियो सेफ्रेट जो टीम के एक्स फैक्टर है, लास्ट गेम में वो प्लेइंग 11 में नहीं थे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट जहाँ पे इमरान ताही टीम को ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं, लिजार्ड विलियमसन जो कि 11 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे फैफ डू प्लेसिस जो कि कप्तान है, रिजा हैंड्रिक्स है, मोइन अली है, फ्लूपी है, वेनी मैक्सटन, दोनों फेरेरिया, रोमारियो सेफ्रेट, नार्दे बर्गर, लिजार्ड विलियमसन, इमरान ताही, डेविड वाइज। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे डू प्लेसिस है, नार्दे बर्गर, रिजा हैंड्रिक्स है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर लिया, अब आगे बर्तन चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में जोबर सुपर किंग्स होगा, क्योंकि जोबर सुपर किंग्स पूरी तरह फॉर्म में आ चुकी है, रिसेंटली बात करें तो रिसेंटली भी काफ़ी अच्छा मैच खेल के आ रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी मैच जीत सकते हैं, यहाँ पे सनराइजर ईस्टर्न कैप को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।